गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू प्रज्वल कोचिंग क्लासेस। आज मेरे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट आया था कि सर आप क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के ऊपर बताइए, तो मैं आज जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के ऊपर, वो बिल्कुल ही क्विक रिवीजन है सीबीएसई जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए, एग्जैक्टली एज पर एनसीईआरटी, जिसपे सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो अगर हम देखें, आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेंट ज्योमेट्री। इसके अंदर सबसे पहले हमें जानना होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन होता है, दिस सिस्टम हैज एक्स एक्सिस कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई एक्सिस कॉल्ड ऑर्डिनेट। 0,0 इज द ओरिजिन। बोथ द एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू फोर पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है, एक हमारे पास होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो हमारी लाइन होती है वो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो हमारे पास वाई एक्सिस होती है वो हमारी होती है वर्टिकल लाइन। ये देखिए, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और जहां पे ये आपस में कट करती है इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, जिसको हम डिनोट करते हैं ओ से, और जिसके पॉइंट होते हैं 0,0। जैसे कि मैंने बताया कि ये फोर्थ पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमारे ओरिजिन के जब हम राइट साइड में जाते हैं और ऊपर जाते हैं, तो दोनों पॉइंट क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर वाई के पॉजिटिव होते हैं। तो इसके अंदर जो भी क्वाड्रेंट आएगा वो पॉजिटिव होगा। इस तरह अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो x होता है नेगेटिव, y ऊपर जाते हैं तो होता है पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है माइनस प्लस। और हम थर्ड के जाते हैं लेफ्ट में, अगर हम ओरिजिन के जाते हैं लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो ये होता है नेगेटिव, और डाउनवर्ड आते हैं तो भी क्या होता है नेगेटिव। तो इसका क्वाड्रेंट ये होते हैं नेगेटिव माइनस कॉमा माइनस होते हैं। अगर मैं यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो x का क्वाड्रेंट होता है हमारे पास पॉजिटिव, और y का क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव। तो इस तरह ये कार्टेशियन क्वाड्रेंट सिस्टम हमारे अंदर काम करता है। तो सीबीएसई के अंदर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो सिर्फ हमारे पास कुछ ही फॉर्मूले हैं, उनको मैं एक बार करके वन बाय वन बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। पहला फॉर्मूला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इन द कार्टेशियन प्लेन इज गिवन बाय ए बी। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं x, y, 1 और बी आपको दे रखा है x2, y2। तो इनके बीच में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला हमारा होता है x2 - x1² + y2 - y1² इसमें भी एक क्वेश्चन मैंने आपने लिखा है, ये क्वेश्चन सामने लिखा है, इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। मतलब हमारे को दो पॉइंट दे रखे हैं, एक दे रखा है ए और एक दे रखा है बी। इसको दे रखा है पॉइंट हमें 0,6, इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 0,-2। इसको हम डिनोट करते हैं x1, y1 से, इसको हम डिनोट करते हैं x2, y2 से। और इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिए, जब भी एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो बिल्कुल प्रॉपरली करें, डायग्राम के साथ विद फॉर्मूला। तो हियर आपको मालूम है ना फाइंड द डिस्टेंस, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए बी फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 - x1² + y2 - y1² तो अगर आप देखें हमारे पास जो है x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, तो दिस विल बी देयर cos square, एंड y2 की अगर मैं बात करूं मेरे पास है -2, और y1 की बात करूं मेरे पास -9 तो देयर, और y2 की वैल्यू कितनी है 6² का होल स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा मेरे पास 0, और अब मैं दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 का होल स्क्वायर। अब वी ऑलरेडी नो इफ यू टेक द स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव इट बिकम पॉजिटिव, इट विल बी 64। तो इफ वी हियर इट इज 64, और अगर इसको बाहर करेंगे फैक्टर करके तो 8 × 8, तो योर आंसर विल बी 8। वैसे तो आंसर आपके प्लस माइनस में आते हैं, लेकिन वी विल टेक ओनली पॉजिटिव बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, तो आंसर इज 8 यूनिट। सेकेंड हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, वो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। अभी हम पे है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर आपके पास कोई पी पॉइंट है x, y, वो किसी लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट होते हैं इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, किसी लाइन सेगमेंट को जैसे जिसके पॉइंट क्या है x1, y1 और बी कितना है x2, y2, उसको अगर वो डिवाइड करता है m into n रेशियो में, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m x2 + n x1 / m + n। इसी तरह y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है m y2 + n y1 / m + n। तो इसके लिए एक बेस मैंने आपके क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है, इसको ध्यान से समझिए। इसे लिखा हुआ एक इफ पी पॉइंट, हम पे पी पॉइंट है, पी पॉइंट डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट ए और बी, हम पे दो पॉइंट है, पी पॉइंट को डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो में, और ए के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे कितने 2,6, और हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट दे रखे 5,1। आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालने x, y, और जो रेशियो इसको हमने क्या नाम दिया हुआ m into n। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में गिवन लिखने की आदत डालें, तो अगर आप गिवन लिखते हैं
तो इसको हम नेमिंग कर लेते हैं, इसको बोलते हैं x1 y1, इसे बोलते हैं x2 y2। तो आप जल्दी से यहाँ पे सीधा पहले गिवन को अगर देखें तो m की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 2 और n की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 3। और अगर मैं x1 की बात करूं आपको गिवन है 2, और अगर मैं आपको x2 की बात करूं तो हमें गिवन है 5। इसी तरह अगर मैं y1 की बात करूं तो हमें गिवन है 6 और y2 की बात करूं तो हमें गिवन है 1। तो हमें यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या कहता है, x फॉर्मूला होता है m x2 plus n x1 upon m plus n। So now we have to put the value. What is the value of m? We have here 2. x2 की अगर मैं बात करता हूँ कितना मेरे पास 5 है, n मेरे पास कितना है 3 है, और x1 की बात करता हूँ मेरे पास कितना है 2 upon m plus n यानी कि 2 plus 3। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 5 2 जाए 10 और 2 3 जाए 6 upon 3 plus 2 5। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 16 upon 5। इन द सेम वे अगर मैं y कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला निकालता हूं तो फॉर्मूला होता है my2 plus ny1 upon m plus n। अगर हम y की बात करते हैं तो y आ जाती है हमें फाइंड करना है, m की वैल्यू कितनी रखी है 2, y2 हमारे पास कितना है 1 plus n हम पे कितना है 3, y1 कितना है हमारे पास 6 और m की वैल्यू कितनी है 2 plus n की वैल्यू कितनी है 3। तो 2 6 से 18 अपॉन 3 प्लस 2 5। तो y इज इक्वल टू हाउ मच यू हैव 10 टू जा 20 अपॉन 5 एंड इट इज y इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। तो नाउ वी कम टू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 16 अपॉन 5 कॉमा 4। तो दिस इज योर राइट आंसर। द सेकंड फार्मूला इज सेक्शन फार्मूला, फर्स्ट इज डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड इज सेक्शन फार्मूला। देन देयर इज अ थर्ड फार्मूला दैट इज कॉल्ड द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला सेज इफ p x comma y is the midpoint of a, x a के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे x1 y1 and b के कोऑर्डिनेट दे रखे x2 y2। तो अगर हमें मान लो एक लाइन सेगमेंट के अंदर p पहले से पता है मिडपॉइंट है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x is equal to x1 plus x2 divided by 2, y is equal to y1 plus y2 divided by 2। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए क्वेश्चन मैंने आपके यहां पर रखा हुआ है, मान लिया हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखी है ab, तो इसके में पॉइंट दे रखे कितने 6, 4 और इसके पॉइंट दे रखे 2, 2। अब इसमें मैं निकाला मिड पॉइंट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पहले से गिवन है कि p इज अ मिड पॉइंट। तो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसका पॉइंट होता है x1 y1 जैसे मैंने आपको उसको लेते हैं, और ये होता है आपका x2 comma y2। तो नाउ आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, सो मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हमने पढ़ा क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सो हियर x1 कितना है हमारे पास 6, x2 कितना है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2। सो हियर वी गेट 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर इज 4। x इक्वल टू वी गॉट हाउ मच 4। इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट y, तो फॉर्मूला इज y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो y, सो y वैल्यू इज व्हाट 4, y2 वैल्यू इज 2 डिवाइडेड बाय 2, सो हियर 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 इज 6, सो y वैल्यू इज हाउ मच 3। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, आपको खाली x1 यानी कि 6 प्लस 2 को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही ये y का कोऑर्डिनेट 4 और इसका y का कोऑर्डिनेट को प्लस करना है 2 से डिवाइड करना है, यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरह आप समझिए तीसरा फॉर्मूला आपके अंदर था मिड पॉइंट। और जो सबसे लास्ट फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10 एनसीईआरटी सीबीएसई के अंदर, वो है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ ए x1 y1 बी x2 y2 एंड xc x3 y3 बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी देन इट्स एरिया इज। तो ये जो फॉर्मूला है इसको याद करने का तरीका क्या है, आपको तीन वर्टिसेस दी होती है, इनका हम नेमिंग कर लेते हैं x1 y1, b को हम नेमिंग करते हैं x2 y2 और c को हम कर लेते हैं x3 y3। तो जो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो है हम पे हाफ x1 ब्रैकेट के अंदर है y2 माइनस y3। इसको याद करने का तरीका क्या, देखिए 1 2 3, फिर प्लस आपको लिखना है x2, फिर इसके बाद ब्रैकेट में लिखना है y3 माइनस y1, फॉर्मूला क्या है 2 3 1 प्लस x3, फिर हमें लिखना है ब्रैकेट में y1 माइनस y2 कितना है 3 1 2। मतलब आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। तो इस पे एक बेस मैंने क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे करके रखा हुआ है कि जैसे हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी जिसकी वर्टिसेस हमें गिवन है 10 कॉमा माइनस 1 ए की, बी के हमें गिवन है 2 कॉमा 5 और सी के हमें गिवन है माइनस 1 कॉमा 3। तो इसको मैंने नेमिंग कर लिया, ए को मैंने नाम बोल दिया x1 y1, बी को बोल दिया x2 y2 और सी को बोला x3 y3। ये जो क्वांटिटी को गिवन जो है उन्होंने सामने लिख लिया है, जैसे कि x1 की 10 वैल्यू है यहां से देखिए और y1 की वैल्यू क्या है -6, इस तरह सारे कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए हैं, x2 की वैल्यू कितनी है y2 और y2 वैल्यू कितनी है 5, ऐसे ही x3 की वैल्यू कितनी है -1 और y3 की वैल्यू कितनी है 3।
उसके बाद मैं सिंपल फॉर्मुला लिखा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो सारा फॉर्मुला लिखा। अब इस फॉर्मुला में सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, तो फॉर्मुला लिखा हुआ है आपके सामने जो भी हमने आपको ऊपर लिख के दिखाया था। चलो फॉर्मुले की बात करें, हाफ तो एक्स वन की जगह कितना मेरे पास 10, यहां से देखिए मैंने कॉपी करा है। फिर ये वाई टू कितना करेगा 5, माइनस फॉर्मुले में ही है, और वाई थ्री की वैल्यू कितनी मेरे पास 3, तो 3 रख दिया है। प्लस फिर एक्स टू कितना है मेरे पास 2, तो 2 लिखा है। वाई थ्री की वैल्यू कितनी मेरे पास 3, अब ये माइनस है, लेकिन क्या है कि वाई वन की वैल्यू माइनस 6 है, तो फॉर्मुले माइनस 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 बिकम प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा। फिर प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है माइनस 1, ब्रैकेट फिर वाई वन की वैल्यू कितनी है आप देखिए यहाँ पे माइनस 6 है, माइनस यहाँ पे है, और वाई टू की वैल्यू कितनी मेरा माइनस का सॉरी प्लस का 5 है। अब सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, 10 है 5 में से 2 गया कितना बचेगा, 5 में से 3 गया कितना बचेगा प्लस 2, यहाँ पे आपका 2 है 6 प्लस 3 कितना था 9, ये मल्टीप्लाई में माइनस, और ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 और 5 करेंगे तो माइनस का 11 आएगा, और माइनस के 11 की जगह माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 11 आ जाएगा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 टू जो 20, 29 जो 18 और 11, तो इनको सबको हमने ऐड किया कितना है 49 अपॉन 2। यहाँ पे मैंने मॉड का निशान बना रखा है, इसका मतलब ये है कि जब भी आपका एरिया हो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो कभी अगर आपका आंसर एरिया नेगेटिव में भी आता है तो आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव में लिखना है। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद इस पे कंडीशन होती है, वर्ड आता है कोलिनियर चेक करना, कंडीशन ऑफ कोलिनियर। कंडीशन ऑफ कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले समझिए कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, जो पॉइंट क्या आते हैं एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। तो यानी कि अगर हमें चेक करना है कंडीशन ऑफ कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, अगर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू आंसर आता है 0, तो ये प्रूफ करता है कि पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ रहा है 0। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ट्राइंगल होता है हमारा वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनता है, मतलब कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेते हैं जो कि एक लाइन पे नहीं आते, उनको हम जोड़ते हैं तो ट्राइंगल की फॉर्मेशन होती है, तो उसकी कुछ वैल्यू होती है। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के अंदर, कि सबसे पहला फॉर्मुला मैंने बताया था डिस्टेंस फॉर्मुला होता है, सेकंड होता है सेक्शन फॉर्मुला, थर्ड है मिड पॉइंट फॉर्मुला, फोर्थ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और आपका फिर है कंडीशन ऑफ कोलिनियर। इसके अलावा कुछ हमें बेसिक कंसेप्ट याद रखने होते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए, वो मैंने जैसे कि लिखे हैं यहाँ पे। जैसे मैं बताना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर होती है, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। दूसरा पे क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ए बी और ए सी को इक्वल दिखाया तो ये कंडीशन होगी आइसोसेलेस ट्राइंगल की। फिर होता है थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसके बाद फोर साइडेड फिगर आते हैं, सबसे पहला आता है पैरेललोग्राम, उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला चेक कर सकते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर हमारे पास ए बी इक्वल टू सी डी आता है और ए डी इक्वल टू बी सी आता है तो कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की। फिर हमारे पास आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल तो होती ही है लेकिन इक्वल भी होती है, और लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है हमारी डायगनल आपस में इक्वल होती है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिर्फ अंतर ये है कि रेक्टेंगल हमारी डायगनल इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में हमारी डायगनल इक्वल नहीं होती है। उसके बाद हमारा आता है रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है हमारी चारों साइड क्या होती है बराबर होती है लेकिन इसमें डायगनल इक्वल नहीं होती है, तो रोम्बस की कंडीशन क्या है कि चारों साइड इक्वल होगी, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी ए, मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है। उसके बाद आता है स्क्वायर, स्क्वायर इन सबके सबकी प्रॉपर्टी रखता है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर भी होती है और उसकी डायगनल आपस में इक्वल भी होती है। इसके अलावा जो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है और स्क्वायर है, इनकी एक और कॉमन प्रॉपर्टी होती है, वो इन सबकी जो डायगनल होती है वो बाइसेक्ट करती है, क्या करती है बाइसेक्ट करती है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी इसलिए बताई क्योंकि अब इस चैप्टर के अंदर जो हमारे अंदर क्वेश्चंस होंगे वो इन पे बेस्ड होंगे कि भाई चेक करो वेदर द गिवन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और नॉट। तो आपको अगर तीनों साइड का डिस्टेंस निकालना है, अगर वो इक्वल आता है तो आंसर इज यस इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर तीनों साइड इक्वल नहीं आती है तो इट इज नॉट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। पर इस पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन जो मिनिमम कंसेप्ट है जो सीबीएसई सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है वो इन्हीं पे बेस है। तो पहले आप इन कंसेप्ट को बड़ी बारीकी से समझ लीजिए, फॉर्मुले लिखिए, और एग्जाम में एक बात ध्यान रखें, हमेशा आपको फॉर्मुले डायग्राम गिवन बहुत अच्छी तरह लिखना चाहिए, फिर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 100% आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। और इस पे बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो में एक और बनाऊंगा, ठीक है? तो पहले आप इन बारीकी को समझिए और एक बार आप इसको बिल्कुल ढंग से देख लें जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एवरीवन यू मस्ट डू प्रैक्टिस इट 5 times, ओके? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रज्वल कोचिंग क्लासेस। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आया होगा और आया है, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।